प्रशासन ने चुनावों के मद्देनजर होमगार्ड्स के जवानों की तैनाती की प्रक्रिया पूरी करते हुए सभी को उनके पोलिंग स्टेशंस और बूथों की जानकारी दे दी है। लेकिन नाराज होमगार्ड्स ने पिछले 5 महीनों से वेतन न मिलने का हवाला देते हुए कहा कि वो पुलिस विभाग के कंधे से कंधा मिलाकर अपनी सेवाएं देते हैं, लेकिन उनकी सुविधा और वेतन के नाम पर उनका शोषण हो रहा है। प्रशासन ने चुनावों के मद्देनजर होमगार्ड्स के जवानों की तैनाती की प्रक्रिया पूरे करते हुए सभी को उनकी पोलिंग स्टेशंस और बूथों की जानकारी दे दी है। लेकिन नाराज होमगार्ड्स ने पिछले 5 महीने से वेतन ना मिलने का हवाला देते हुए कहा कि वो पुलिस विभाग के कंधे से कंधा मिलाकर अपनी सेवाएं देते हैं, लेकिन उनका सुविधा और वेतन के नाम पर शोषण ही हो रहा है। ये होमगार्ड कंधा से कंधा मिलाकर पुलिस से मिलती है और जबकि हम फुल जिम्मेवारी पर अपनी ड्यूटियां देती है और ट्रैफिक की देते हैं या थाने में देते हैं, जहां भी देते हैं हमें पूरी तरह से हम निभाते हैं नेक ईमानदारी से। जब ये ड्यूटी तनख्वाह अब तक हम दिवाली दीपावली के दिन से अभी तक हमारी कोई भी अभी तक पैसे नहीं मिले। हमारा कहने का मतलब ये है कि जब ये पक्के कर्मचारियों के लिए 1 तारीख की तनख्वाह जाती है तो हमारे में क्यों इतनी व्याधा डलती है जी। ये मांगे रेगुलर ड्यूटी की जाए और हमारी हक मिले हर महीने। जानकारी के मुताबिक 2 साल पहले मुख्यमंत्री इन होमगार्ड्स के दैनिक वेतन 250 रूपए से बढ़ाकर 300 रूपए करने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके वेतन में इजाफा नहीं हुआ। जाहिर है चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर सभी होमगार्ड्स को उनका काम बता तो दिया गया है, लेकिन उनकी नाराजगी कब दूर की जाएगी इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अब देखना यह है कि आखिर इन नाराज होमगार्ड्स की मांगों को कब तक पूरा किया जाता है। पलवल से गुरुदत्त के साथ रिपोर्ट, जनता टीवी।